हेलो माय यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। तो ये देख सकते हैं स्किन में कितना शाइनिंग है, ये वैक्स के बाद का है। और गाइस, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये रैन का वैक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसका कॉस्ट भी अच्छा है और आप इजीली इससे कर सकते हो। वैक्स का भी मैं वीडियो डाली हूँ कि किस किस वैक्स से आप वैक्सिंग कर सकते हो हमारे चैनल पे, तो उसको जाके आप चेकआउट करें कि मार्केट में, पार्लर में कौन कौन से वैक्स चलते हैं और हम लोग किस वैक्स से वैक्सिंग करते हैं और कौन सा वैक्स पार्लर में ज़्यादा यूज होता है। तो हमारे चैनल पे सारा कुछ बताया गया है, तो आप उस वीडियो को देखें और इजीली सीखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं पाउडर लगा लेना है, वहाँ के स्किन को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। पाउडर लगाओगे ना तो स्किन ड्राई हो जाएगा, पसीना सोख लेगा ना, तो आपको बहुत आसानी से हेयर निकलेंगे और वैक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। गर्मी में भी आसानी से कर सकते हो, इसलिए कभी भी गर्मी हो, ठंडा, कुछ भी हो, पाउडर लगाना ज़रूरी है। अच्छे से पाउडर लगाना है, मिलाना है, उसके बाद वैक्स को गर्म कर लेना है और स्पून में ले करके ऊपर से नीचे की ओर अच्छे से स्प्रेड करके लगाना है। और गाइस, कभी भी स्ट्रिप को साट के यदि खींचना है तो नीचे ज़रूर पकड़ लेना है, नहीं पकड़ोगे तो दर्द होगा कस्टमर को, इसलिए। और तेज़ी से काम करना रहता है, तेज़ी से काम करोगे तो आपके जल्दी जल्दी वैक्स में भी मूव हो जाएंगे और दर्द भी कम होगा। और नीचे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो गाइज इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और ये कभी भी वैक्स करें तो ऊपर से नीचे की ओर करें, ऊपर से करना है, नीचे से नहीं करना है, ऊपर से करना है। ऊपर से करोगे तो दर्द भी नहीं होगा। तो हमारे वीडियो में बहुत कुछ आपको, हर वीडियो, कोई भी वीडियो आप देखोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो गाइस ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि घर बैठे आप कुछ भी सीख सके। और मैं हमेशा अच्छे से अच्छे, मैं चाहूँगी अच्छा अच्छा वीडियो में डालूँ, ब्यूटी से रिलेटेड बहुत कुछ मैं डालूँ। आने वाले दिन में बहुत ऐसे आपको कंटेंट मिलेंगे जो कि इजीली घर बैठे आप सीख सकते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी कोई भी घर बैठे सीख सके और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आई होप कि अभी तक आप लाइक कर दिए होंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए होंगे, क्योंकि उससे कुछ कुछ भी आपको घाटा नहीं होगा गाइज। आप करोगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि अच्छे अच्छे मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करेगा और डालने का। और रोज़ वीडियो बनाओ और डालो और सब्सक्राइबर भी नहीं बनेगा बढ़ेगा और लाइक भी नहीं बढ़ेगा, तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा गाइज। और बहुत ऐसे चैनल है जो फालतू बिना मतलब के खा रहे पी रहे हैं, ये बना रहे वो बना रहे, बिना मतलब का चैनल है, उसको मिलियन में सब्सक्राइबर है। तो गाइज हम लोग घर बैठे आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज दे रहे हैं ताकि आप घर में भी अपने काम करके पैसे बचा सकते हो और आपको किसी का भी मदद कर सकते हो या किसी के घर में आप वैक्सिंग कर सकते हो, चाहे पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। ये तो सारे लेडीज़ का ही वर्क है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल रहोगे तो ही आपको वैक्सिंग की ज़रूरत होगी, आईब्रो की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं है। आप घर में भी जैसे हैं तो हर इंसान चाहता है कि मैं नीट एंड क्लीन दिखूँ, अच्छा दिखूँ, सुंदर दिखूँ, तो वो वीडियो घर में हाउस वाइफ है वो भी सीख सकती है, जो प्रोफेशनल वो भी सीख सकता है, ये जो बिगनर है वो भी सीख सकता है। तो गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डाल सकूँ, मेरा भी मनोबल बढ़े कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रहा है, तो वीडियो बनाने में भी टाइम निकाल के अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं घर बाहर, सारे काम निपटाने के बाद वीडियो बनाना, शूट करना, एडिट करना, डालना, तो गाइस समझ सकते हो रात में भी कभी एडिट करना पड़ता है, दिन में भी एडिट करना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारे काम होने के बाद भी एडिट करके डालना पड़ता है। तो गाइस हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो गाइस ज़रूर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बना रहे, वीडियो बनाते रहें और कभी उदास ना हो कि हाँ हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आप
आप देखिए। और ये वैक्स करने से ना टैनिंग भी रिमूव हो जाता है और स्किन में चमक भी आता है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये दूसरा भी मेरा हैंड ऑलमोस्ट होने वाला है। और ये कभी भी गर्मी में यदि आप वैक्सिंग करते हो तो आप यदि आपके पास एसी नहीं है तो हैंड को कोल्ड वाटर से अच्छे से 2-3 बार धो लो या बर्फ हैंड पे रगड़ लो, उसके बाद टॉवल ड्राई कर लो, उसके बाद पाउडर लगाना है और अच्छे से उसको सुखाने के बाद पाउडर लगाना है, उसके बाद वैक्स को गर्म करना है और उसको टेम्परेचर को हैंड में चेक कर लेना है। और यदि हीट ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ठंडा कर ले, उसको फूंक मारें, उसके बाद लगाएं, उसके बाद साटना है वैक्स स्ट्रिप को और उसके बाद उसको खींच लेना है। तो ये काम पूरा इसी तरह करना है। तो पूरा वीडियो देखे, लास्ट तक देखे, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और कहीं का भी हेयर नहीं छोड़ना है, कहीं का भी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हेयर नहीं है तो आप वैक्स कहीं कहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है, पूरे हैंड में करना है, कहीं का भी स्किन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वैक्स करने से हेयर ही नहीं रिमूव होते हैं बल्कि आपके स्किन पे जो भी डस्ट होता है या टैन होता है या सन बर्न होता है सारे रिमूव होते हैं, क्लीन होते हैं और स्किन में चमक आता है, हैंड में भी चमक। कहीं भी यदि जा रहे हो तो करवा लेने से, चाहे मेहंदी लगाओ तो भी करवाओ तो भी अच्छा लगता है। तो ये आप देखना, इनका बहुत ही सुंदर लग रहा था और इनका तो हैंड भी एकदम गोरा गोरा है और बाल बहुत कम है, लेकिन करवाने के बाद बहुत ही अच्छा क्लीन दिखता है। तो गाइज आप लोग भी करवा सकते हो हमारे वीडियो देख के, यदि नहीं आता है करने तो घर में बैठ के आप मेरा वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, उसके बाद आप आसानी से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप घर में कर सकते हो। तो ट्राई ज़रूर करना गाइज, कोई बड़ा बात नहीं है, ट्राई करोगे तो किसी को भी, यदि हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। घर में आप काम करते हो या बाहर, किसी के लिए, हर इंसान को अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है आज के डेट में तो सबको चाहिए। तो आप घर में भी करवा सकते हो, पार्लर में भी करा सकते हो। तरैन कंपनी का है और बहुत अच्छा होता है, इससे काफ़ी टैनिंग रिमूव होता है और आप इजीली करवा सकते हो। तो गाइस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। ये मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, हैंड वैक्सिंग दोनों हो गया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें आप लोग, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और कभी भी ऐसे ऊपर हो गया तो फिंगर में भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ भी हेयर रहता है और वहाँ भी स्किन, जैसे बर्तन वॉश करो तो हैंड थोड़ा सा वहाँ भी डेड स्किन बहुत रहते हैं, तो वहाँ पे भी निकल जाते हैं। तो फिंगर को कभी ना भूले, फिंगर में भी ज़रूर आप उसको वैक्सिंग करें ताकि वहाँ भी हेयर रहता है वो भी क्लीन हो जाए। कभी भी ऊपर से नीचे